हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बैंगन की कलौंजी, बैंगन की भाजी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही आसानी से बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने कलौंजी वाले पतली बैंगन का इस्तेमाल किया है। इसे मैं इस तरह से काटूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इस तरह से बीच से इसे काट रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से काट रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सारे बैंगन को काट लूँगी। तो बैंगन को मैंने काट लिया है। अब हम मसाला देखेंगे। मसाला में मैंने हरी मिर्च ली है, लहसुन के कुछ दाने लिए हैं, अदरक लिया है। अब मैं काली मिर्च डालूंगी। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी, मैंने यहाँ खड़ा जीरा लिया है। अब पीला सरसों लेंगे, पीला सरसों भी मैंने एक बड़ा चम्मच इतना डाला है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला ग्राइंड हो गया है। अब मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी, हल्दी पाउडर मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा किचन किंग भी ऐड किया था, एक छोटा चम्मच इतना। तो हमारा मसाला तैयार है। अब हम बैंगन को फिल करेंगे। तो मैं बैंगन में मसाला को भर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से मैं मसाला को भर रही हूँ। तो अब हम कलौंजी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें बैंगन के पीसेस को डालूंगी, कुछ इस तरह से मैं डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बैंगन को किस तरह से इसमें डाला है। अब गैस का फ्लेम को लो करके इन्हें 5 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इन्हें आराम से पलटेंगे। अब मैं इसमें 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने बारीक कटे हुए 2 टमाटर डाले हैं। इन्हें चलाएंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए मैं फिर से ढक के रख देती हूँ। तो 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करूँगी। तो मैंने गैस का फ्लेम हाई कर लिया है। अब मैं इन्हें डीप फ्राई करूंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो हमारी सब्ज़ी फ्राई हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमारी बैंगन की कलौंजी बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।